गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट. कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट. तो एक साइड ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और एक साइड ले लेते हैं हम मैग्नेटिक सर्किट. तो सबसे पहला हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ या वोल्टेज. ईएमएफ और वोल्टेज का काम क्या है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराना. वही काम मैग्नेटिक सर्किट में कौन करता है? ईएमएफ. यहाँ पे कौन करता है? एमएमएफ, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटो मोटिव फोर्स. इट प्रोड्यूसेस फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट. मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है कौन? मैग्नेटोमोटिव फोर्स. वैसे ही ईएमएफ और वोल्टेज क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस करंट इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट. सेकंड ईएमएफ हो गया, अब आपका हो गया यहाँ पे करंट आई. वही काम यहाँ पे क्या है? करंट के बदले यहाँ पे क्या है? फ्लक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई. ठीक, आई इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाय आर होता है. फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपका? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. थर्ड है आपका इसका यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पियर. फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर. एमएमएफ का यूनिट होता है एम्पियर टर्न. ईएमएफ का होता है या वोल्टेज का होता है वी. फोर्थ है आपका करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे बोलते हैं, ये क्या होता है? टोटल करंट अपॉन एरिया. ये इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. वही करंट डेंसिटी यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है. तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बी. वो कितना होता है? टोटल फ्लक्स पर अपॉन एरिया, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला का टी. ठीक है, चौथा है यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में. रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसको हम लोग आर लिखते हैं. इसका यूनिट होता है ओम. ये क्या होता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट. रेजिस्टेंस का काम क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को अपोज करना. वही काम मैग्नेटिक सर्किट में कौन करता है? उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस. क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से. ठीक है, सो रिलक्टेंस इट इज इट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन अन इन ए मैग्नेटिक सर्किट. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हुआ हमारा? रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस. क्या होता है?
कंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं जी, एंड जी इज़ द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होता है? मोहो। वही यहाँ पे क्या होता है? परमियंस, परमियंस। सो परमियंस इज द इनवर्स रेशियो ऑफ रिलक्टेंस। क्या होता है? रिलक्टेंस। सेकेंड सिक्स अब क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? वन अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या होता है? रिलक्टिविटी होता है। सेवेंथ मैंने आपको बताया था परमीएबिलिटी। क्या बताया था? परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी क्या होता है? सॉरी, ये कंडक्टिविटी नहीं, ये रेजिस्टिविटी होगा। रेजिस्टिव ये होगा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे क्या होगा? रिलेक्टिविटी होगा। एंड परमिएबिलिटी मैंने बताया था एबिलिटी टू मैग्नेटाइज। तो यहाँ पे जो एबिलिटी टू मैग्नेटाइज है वही यहाँ पे क्या होता है? ये कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी, यानी कि एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट इन अन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो एक बार समराइज करें तो ईएमएफ या वोल्टेज को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? वोल्टेज वी। मैग्नेटिक सर्किट में वही चीज़, ईएमएफ में क्या होता है? एमएमएफ होता है, जिसका मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो वोल्टेज का काम है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराना, वही काम एमएमएफ का मैग्नेटिक सर्किट में है फ्लक्स को फ्लो कराना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वही चीज़ यहाँ पे फ्लक्स होता है वोल्टेज के बदले हो गया यहाँ एमएमएफ, रेजिस्टेंस के बदले हो गया रिलक्टेंस। करंट की यूनिट एम्पियर, फ्लक्स की यूनिट वेबर। करंट अपॉन एरिया, यहाँ पे करंट डेंसिटी होता है, वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स अपॉन एरिया फ्लक्स डेंसिटी होता है बी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही चीज़ मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को अपोज करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस जी। वही चीज़ यहाँ पे इनवर्स रेशियो ऑफ रिलक्टेंस को हम लोग बोलते हैं परमियंस। फिर यहाँ पे होता है हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, इलेक्ट्रिक मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है, वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग क्या बोलते हैं? रिलक्टिविटी कितना है, कितना उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रिलक्टेंस ऑफर करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी, मतलब किस कितना एबिलिटी है उसमें कि वो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देगा, तो वो कंडक्टिविटी है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग उसको बोलते हैं परमीबिलिटी। ठीक, ये आप सात तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या सिमिलरिटीज बता सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।